एवरीवन, मैं हूं ज्योति स्नदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। कैसी रही आपकी दिवाली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आशा करती हूं कि आपकी दिवाली काफी अच्छी रही होगी, आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम बिताया होगा। तो बात करूं अगर मैं आज के वीडियो की, तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली, या कह लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट नाइट जेल्स जो कि मैंने आज तक यूज़ करा है, जो कि स्पेशली है एक्ने पिंपल के मार्क्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसे मैं लास्ट 3 वीक से डेली मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे द डर्माको के कोजिक प्लस आर्बिटिन नाइट रिपेयर जेल सिरम की। इसे मैं 3 वीक से यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आपको भी एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन ही कर रही हूँ अभी। मैंने मेरे फेस को वॉश कर लिया और अब मैं इसको ही अप्लाई करूंगी। तो ये एक सिरम जेल है, तो कह लीजिए कि जेल के फॉर्म में ये एक सिरम है। और पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, आपको इसकी कंसिस्टेंसी एवरीथिंग दिखाती हूँ। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक अ जेल, लेट मी शो यू थोड़ा सा क्लियरली। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक अ जेल, लेकिन जेल कैसे स्टिकी से होता है ना, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और इतनी क्वांटिटी लगभग पी साइज अमाउंट मैंने ली, इतनी इनफ है। और ये बिल्कुल मैट फिनिश में सेटल होता है, स्किन को बिल्कुल भी ग्रीसी ऑयली नहीं बनाता, आप अभी देखेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपकी लाइक ऑयली स्किन है और आप ऐसा कुछ नहीं चाहते जो आपकी स्किन को बिल्कुल ग्रीसी ऑयली बनाए, तो बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि हर स्किन टाइप वाले इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी आप देखिए, मैंने इसको बहुत ज़्यादा मसाज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है, और ये कैसे मेरी स्किन में बिल्कुल अब्सॉर्ब हो गया और लाइक 30-40 सेकेंड्स के अंदर ये मेरी स्किन में बिल्कुल मैट फिनिश में सेटल हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं है। तो अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से इरिटेट होती है, आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, तो किसी भी टेंशन की बात नहीं है। तो अब बताती हूँ इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मुझे इतना ज़्यादा इफेक्टिव लगा है। तो इसमें यूज़ करा गया है 1% ऑफ कोजिक एसिड का। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि द डर्माको का जो कोजिक एसिड सिरम था, उसकी मैंने 2-3 बॉटल्स यूज़ करी है मेरे एक्ने पिंपल के मार्क्स के लिए। उसने बहुत ही अच्छा काम करा और आई न्यू कि कोजिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने के लिए, मिलाजमा को भी ट्रीट करने के लिए जाना जाता है, और उसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी होते हैं। तो कोजिक एसिड तो अच्छा होता ही होता है। साथ ही साथ में इसमें अल्फा आर्बुटिन का भी यूज़ करा गया है, जो कि अगेन एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने के लिए और पिगमेंटेशन को कम करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो 2 पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स का इसमें यूज़ करा गया है, ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट यू हैव टू यूज इट कंसिस्टेंटली। जैसा मैंने कहा कि मैं इसको लास्ट 3 वीक से डेली मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज कर रही हूं, और ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ही रिजल्ट इसमें शुरू हो गए। 3 हफ्ते लगे मुझे विजिबल चेंजेस दिखने में। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि अगर आप कोई अदर एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट यूज करो, जैसे AHA BHA विटामिन सी, तो उन्हें भी आप इसके साथ आराम से लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव यूज्ड इट और मैंने वेबसाइट पे भी ब्रांड की पढ़ा हुआ है कि इसे आराम से अदर एक्टिव्स के साथ लेयर किया जा सकता है। तो अभी मुझे इसे लगाए 3-4 मिनट के ऊपर हो चुके हैं और मेरी स्किन में अच्छे से सेटल हो चुका है, बिल्कुल मैट फिनिश दी है। बट साथ ही साथ में स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट भी करता है और स्किन काफ़ी मतलब सॉफ्ट एंड प्लम्प लगती है। तो ऐसा नहीं है कि मैट फिनिश में सेटल होता है तो स्किन को ड्राई करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट एंड प्लम बनाता है। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप आराम से आपका कोई दूसरा मॉइस्चराइजर भी इसके साथ लेयर कर सकते हो। मुझे लगभग 1 महीने पहले यहाँ पे बहुत ही बुरे हार्मोनल एक्ने हुए थे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे काफ़ी सारे हार्मोनल एक्ने जिनके मार्क्स रह गए थे। अभी भी आपको मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे, बट वो मार्क्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लाइटन हो गए। जैसा मैंने कहा कि मुझे 3 हफ्ते में चेंजेस दिखने स्टार्ट हुए, उसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स बिल्कुल गायब हो गए हैं, बट येस लाइटन हुए हैं। तो मुझे रिजल्ट्स काफ़ी इसके अच्छे लग रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मेरी सेंसिटिव स्किन को ये बहुत ही अच्छे से सूट कर रहा है। मेरे अदर एक्टिव्स के साथ भी मैं इसको आराम से पेयर कर लेती हूँ, मेरी स्किन को ये सेंसिटाइज वगैरह नहीं करता है। इस सिरम जेल की प्राइस मैं आपको बता दूं तो ये 599 रुपीज़ का आता है, जिसमें 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। और आप द डर्माको की वेबसाइट पर मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। इस कोड को आप द डर्माको की वेबसाइट पर यूज़ करोगे तो आपको इस पे या फिर द डर्माको के किसी भी प्रोडक्ट पर 20% का ऑफ मिल जाएगा। और इसे कहाँ से खरीद सकते हैं, तो द डर्माको की वेबसाइट पर तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ में अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो जो भी इसके परचेज लिंक्स हैं प्लस मेरा कूपन कोड है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा।
एक बार मैं क्विकली आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दूँ, तो जो जार है वो आता है इस तरीके के स्टैंडर्ड डर्मा को बॉक्स में, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट के बारे में, और जो हमारा नाइट जेल है वो आता है इस तरीके के ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सेपरेटर वगैरह है और आपको फिर मिल जाता है आपका ये जेल। बता दूं आपको कि द डर्मा को हैज टेकन यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, मतलब जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ शॉप करेंगे तो हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे चाइल्ड से, जिसे वो हेल्प करेंगे एजुकेट करने में अलॉन्ग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेस्ड टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। सो यार, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हो जो कि एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने में हेल्प करे, पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करे, तो आप डेफिनेटली ये नाइट जेल सीरम को ट्राई करेगा। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, तो अलग से फिर आपको किसी सीरम में नहीं इन्वेस्ट करना है आपके एक्ने पिंपल के मार्क्स वगैरह के लिए। इसमें सीरम भी है और ये स्किन को मॉइस्चराइज हाइड्रेट भी करेगा, तो सीरम एंड मॉइस्चराइजर दोनों का ये काम करेगा। ये एक नाइट जेल है, तो मुझे आई नो क्वेरी आएगी, तो बता दूं कि इसको आपको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में ही यूज़ करना है। आप अपने अदर एक्टिव्स के साथ भी इसको आराम से लेयर कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है। इफ़ यू आर वरीड कि ये मैट फिनिश देता है तो मेरी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसके ऊपर भी आप अपना मॉइस्चराइजर थोड़ा लाइक 5-10 मिनट के गैप के बाद आप आपका मॉइस्चराइजर आराम से अप्लाई कर सकते हो, इफ़ यू फील कि आपको मैट फिनिश नहीं चाहिए। तो आई हैव ऑयली स्किन और मुझे इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपने इसको यूज़ किया हुआ है तो कमेंट ज़रूर करके बताएगा कि आपके लिए ये कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। जैसा मैंने वीडियो के पहले कहा कि इसको कंसिस्टेंटली 2-3 weeks यूज़ करिए कुछ विजिबल रिजल्ट्स के लिए। सो या, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।